पुलिस ड्रग्स पेडलरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन मुहिम चला रही है। इसी के तहत मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल के अधिकारियों द्वारा धारावी में छापा मारकर 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक 47 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मंजर शेख बताया जा रहा है। घाटकों पर एंटी नारकोटिक सेल की यूनिट के पुलिस निरीक्षक शशांक सेलके को सूचना मिली कि धारावी के 90 फीट रोड स्थित अखिल भारतीय कुंची कुर्बे नगर में ड्रग्स की एक बड़ी खेप आने वाली है। खबर मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त चिखले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शशांक सेलके और उनकी टीम ने ट्रैप लगाकर वहां एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उसको NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कल 14 तारीख को मेरे यूनिट के हवलदार को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसमें जो हमने एक्यूज़ अरेस्ट किया है वो हेरोइन अपने कस्टमर्स को या जिनको देना है उनको देने के लिए आने वाला है धारावी एरिया में 60 फीट रोड पे। तो हम लोगों ने, मैं EPI खेरे, मेरी टीम, हम लोगों ने पंचों के साथ वहाँ पे ट्रैप लगाया और इस जो ये जो एक्यूज है मंजर, उसको हमने वहाँ पे नैप किया। जब उसकी हमने झड़ती ले ली तो उसके पास जो थैली थी वो थैली में 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन हमें मिला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2 करोड़ 40 लाख इतनी है। ये केस में हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, कोर्ट ने उसे 19 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया हुआ है। हमारा ये इसमें जानना बहुत जरूरी बनता है कि वो ये माल कहाँ कहाँ पे देता है मुंबई में और ये माल वो कहाँ से लाता है। ये जो चेन है उस चेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रायोरिटी है। सर, जो आरोपी अरेस्ट हुआ है, क्या उस पर और भी इस तरह के मामले दर्ज हैं पहले? 2018 में मेरे ही यूनिट में इसके खिलाफ हेरोइन की केस हुई थी। उस वक्त उसके पास कम मात्रा में 89 ग्राम हेरोइन मिला था। वो केस में बाद में वो बेल आउट हुआ है।